motherfucking Eagle double G. Snoop Dogg. Hey guys, it's Neha. Welcome back to my channel. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ सुपर डुपर धमाल करने वाले हैं एंड आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम सुपर डुपर धमाल क्या करने वाले हैं एंड आपने मेरे गालों को देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लगा ही लिया होगा। हाँ यार, आज हम होली से स्पेशल कुछ करने वाले हैं, मतलब आज हम होली से स्पेशल पेंटिंग करने वाले हैं एंड आपको बिलीव नहीं होगा कि आज मैं पेंटिंग बनाने के लिए या होली के इन कलर्स को यूज़ करने वाली हूँ तो एंड आज मैं इन कलर से पेंटिंग करने वाली हूँ। तो यार मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा है आज मैं कान्हा जी बनाने वाली हूँ और राधा जी बनाने वाली हूँ जो कि होली खेल रहे हैं एंड वो भी गुलाल से। तो आज मैं गुलाल से पेंटिंग करने वाली हूँ एंड ये बहुत ही औसम आइडिया है कि यार आप इस गुलाल से पेंटिंग कर सकते हो। तो आज मैं इस गुलाल से पेंटिंग करने वाली हूँ। तो यार मुझे सच में यार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है एंड मेरा एक्साइटमेंट का लेवल काफ़ी ऊपर ही बढ़ रहा है एंड मैं सोच रही हूँ कि यार गुलाल से पेंटिंग की जा सकती है एंड कैसे की जा सकती है। तो मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया तो नहीं है, लेकिन करना है तो करना ही है एंड आज हम इस गुलाल से ज़रूर पेंटिंग करेंगे एंड ज़रूर इससे क्रिएट करेंगे आज पेंटिंग। तो मैंने सोचा है आज मैं राधा जी एंड कृष्ण जी को बनाऊँगी एंड वो भी गुलाल से एंड मैं अपने प्यारे से कान्हा जी को बनाने वाली हूँ एंड वो भी गुलाल से। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है एंड आप में से किसको होली खेलना बहुत पसंद है यार, क्योंकि मैं ज़्यादा होली तो नहीं खेलती हूँ, कम ही खेलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कलर से बहुत एलर्जी होती है एंड मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। तो यार मैं होली कम खेलती हूँ एंड अगर आप होली खेल रहे हो तो यार हर्बल कलर को यूज़ करना प्लीज़ एंड आप लोकल टाइप के कलर को मत यूज़ करना एंड आप हर्बल कलर से ही खेलना। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप हर्बल कलर से खेलना एंड आप थोड़ा बहुत अवॉइड ही करना तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी स्किन भी ख़राब हो सकती है। तो यार आप समझ के खेलना, मैंने आपको बता दिया है एंड आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है, मैं नहीं जानती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी होली बोलना चाहती हूँ। तो हैप्पी होली टू एवरीवन। होली का त्यौहार आप सबके लिए शुभ हो एंड होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होली पे यार पिचकारी मारना तो आप सबको पसंद ही होगा, यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। यार मैं जब छोटी थी तो यार मैं बहुत पिचकारी से खेला करती थी एंड हम सारे ब्रदर एंड सिस्टर सोचते थे कि यार एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से मार के होली खेलें एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता था एंड बहुत ही हम खुश होते थे यार होली में पिचकारी से खेल के एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एंड वो दिन वापस लौट के तो नहीं आ सकते यार, लेकिन हम अपने से छोटे बच्चों में वो दिन उस दिन को वापस देखते हैं, अपने पुराने दिन वापस याद आ जाते हैं कि यार हम पहले कभी होली खेला करते थे, हम भी पहले इस तरह से इंजॉय किया करते थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आज होली पर राधा एंड कृष्ण जी की पेंटिंग बनाऊँ एंड वो भी गुलाल से। तो आज हम गुलाल से पेंटिंग करने वाले हैं एंड मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि आज ये पेंटिंग कैसे होगी, लेकिन करना है तो करना ही है एंड मैंने ये गुलाल से पेंटिंग करने का जो मुद्दा उठाया है एंड आज मैं इसे जरूर पूरा करूंगी एंड आज मैं होली पेंटिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लव यू गाइस, अगर नहीं किया है तो यार फटाफट कर दो एंड ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हो। तो यार फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर आप चाहते हो कि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें एंड आपको मेरी वीडियो अगर पसंद है तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, तभी आपको मेरी आगे की वीडियोस भी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ एंड कुछ ना कुछ नया सोचती रहती हूँ एंड नया कर ही लेती हूँ एंड नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। तो यार अगर आपके दिमाग में भी कुछ नए आइडियाज़ आते हैं तो यार मेरे साथ ज़रूर शेयर करना एंड बताना एंड ये भी बताना कि यार होली खेलना आपको पसंद है या नहीं है। पहले भी मैंने आपसे पूछा था, फिर पूछ रही हूँ कि यार बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको होली पर कलर से खेलना पसंद है या गुलाल से खेलना पसंद है या पिचकारी से खेलना पसंद है। जो भी पसंद आपकी हो तो यार मुझे ज़रूर बताना एंड मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स, बढ़ते वीडियो की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स मूव टू द वीडियो। तो चलो देखते हैं कि आज हम होली कैसे खेलेंगे एंड आज हम होली की पेंटिंग कैसे बनाएंगे एंड होली की पेंटिंग करते करते हम होली भी खेल लेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार, मुझे सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रहा है। तो गाइस चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम गुलाल से पेंटिंग करने वाले हैं, मतलब आज हम गुलाल और अबीर से पेंटिंग करने वाले हैं। तो आज गुलाल से मैं कृष्ण राधा की पेंटिंग बनाने वाली हूँ। तो यार ये कैसे बनेगा एंड मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। तो मैंने इसे कलर करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं ब्लू कलर से कृष्ण भगवान को पूरा रेडी कर दूंगी एंड मैंने कृष्ण भगवान को रेडी करना स्टार्ट कर दिया है ब्लू कलर से। तो आप देख सकते हो कि मैं ब्लू कलर से कैसे लाइट एंड डार्क शेड का शेड दे रही हूँ। तो मैं ब्लू कलर ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं उसी में डार्क एंड लाइट शेड दोनों यूज़ कर रही हूँ।
तो मैं कृष्ण भगवान का जो क्लोथ है वो आपको पता ही है कि पीले रंग का कपड़ा कृष्ण भगवान बहुत पहनते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पीले रंग का गुलाल यूज़ किया जाए। एंड उसके बाद मैंने रेड कलर से डिटेलिंग करी है, तो डिटेलिंग करने के लिए मैंने रेड कलर को यूज़ किया है। एंड अब मैं कृष्ण भगवान को पूरा सांवला बना दिया है, तो हमारे सांवले से कृष्ण भगवान कैसे लग रहे हैं यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आप देख सकते हो कृष्ण भगवान के साथ साथ हमारी क्यूट सी राधा जी भी मैंने रेडी कर दी है। तो इस तरह से आप गुलाल से बहुत अच्छी पेंटिंग क्रिएट कर सकते हो, आप गुलाल से चाहो तो और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बना सकते हो। तो यार ये बहुत ही अवसम आइडिया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। एंड होली का मौका आ रहा है, तो यार गुलाल से पेंटिंग करना तो बनता है यार, तो यार आप भी गुलाल लगाने के साथ साथ यार गुलाल से पेंटिंग भी करना, ये बहुत ही अवसम आइडिया है एंड बहुत ही मज़ेदार आइडिया है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमारी राधा किशन रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स फाइनली वी आर डन विद आवर वर्क। तो आपने देखा कि यार मैंने किस तरह से यार होली की पेंटिंग क्रिएट कर ली है एंड वो भी गुलाल से। तो आप देख सकते हो कि यार मैंने ये कितने सुंदर राधा कृष्ण क्रिएट किए हैं एंड वो भी गुलाल से। तो मैंने इसमें कलर का यूज़ नहीं किया है, मैंने इसमें थोड़ा सा भी कलर नहीं यूज़ किया है, इनफैक्ट मैंने मार्कर पेन भी यूज़ नहीं किया है, मैंने कुछ भी ब्लैक आउट लाइनिंग तक के लिए भी कलर नहीं यूज़ किया है। ये पूरा प्योर मैंने गुलाल से ही पेंटिंग की है, मतलब आप गुलाल से भी पेंटिंग कर सकते हो यार। एंड आप ज़रूर गुलाल से पेंटिंग करना एंड मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि यार आपने गुलाल से पेंटिंग की एंड गुलाल से पेंटिंग बनाई। एंड आपका एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया तो यार ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि यार आपका भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया एंड आपको गुलाल से पेंटिंग करके बहुत मज़ा आया एंड आपने होली भी खेली, होली खेलते खेलते यार अपना चेहरा भी पेंट किया हो तो यार वो भी बता देना, क्योंकि ये तो करना ही करना है, क्योंकि होली पर बिना चेहरे को पेंट किए होली तो अधूरी ही है। एंड आप में से किसको ठंडाई पीना बहुत पसंद है यार बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि होली पे यार जनरली हम लोग ठंडाई पीते ही पीते हैं एंड कुछ लोग तो यार भांग भी मिलाते हैं, तो यार भांग वांग मत पी लेना, नॉर्मल ठंडाई ही पीना, क्योंकि ठंडाई बहुत अच्छी होती है, ठंडी ठंडी पीने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है, तो यार ठंडाई भी पीना। ओके तो ठंडाई ही पीना, भांग वांग मत चढ़ा लेना। तो फ्रेंड्स तो कैसा लगा मेरा आज का प्रोसेस एंड कैसी लगी मेरी आज की वीडियो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। हैप्पी होली अगेन एंड आप सब होली को खूब एंजॉय करो एंड खूब मजे करो। एंड आज के लिए इतना ही एंड कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देना हैप्पी होली। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ करेंगे नया एंड फिर करेंगे कुछ धमाल एंड फिर करेंगे कुछ सुपर डुपर यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।